तेरी एक बैरानी मेरा गड़ा टवा दे। अच्छा अज जाता को न ठाया। सुनिए मेरी बात महाराज। कहिए। और एक टुकड़ी गड़ा उठा तू पिया जी बिड़ जागी मेरी। मेरा एक बैरान कदा टवा दे जाता को न ठाया। गड्ढा उठक तू तो गड्ढा उठा कहा धोलिए। गड्ढा उठा कहा धोलिए के घट जागा तेरा। तेरे गड्ढे के हाथ लगा दू धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे गड्ढे के हाथ लगा दू धर्म बिगड़ जा मेरा। और धर्म कर्म के मेरी धर्म कर्म के बारे मेरी धर्म कर्म के बारे में मने पाट्या को न बेरा। और तुम बंगी कर करो नौकरी मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। तुम बंगी कर करो नौकरी मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। अरे लत्ते कपड़े मत लत्ते कपड़े हेरी लत्ते कपड़े ना लायारी लत्ते कपड़े ना लाया ना धन बंगी के खाया। एक जगह रहने से पिया जी किसने कभी बताया। एक जगह रहने से पिया जी किसने कभी बताया। महारानी। कहिए महाराज। अगर आज मेरे बस का होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता। अच्छा और अगर तू नहीं मानती है तो सुन। हाँ? आज मुझे 21 रोज हो गए हैं। अच्छा एक अन्न का दाना मैंने ग्रहण नहीं करया तो बता किस तरह से गड़बे को उठा लूं और मैं क्या करूं। लेकिन महाराज कहिए। मैं आपकी कोई भी बात का यकीन नहीं कर सकती। अच्छा मैं आपकी कोई भी बात का यकीन नहीं कर सकती। जिसके घर में आप रहते हो और एक जगह रहते हो मैं तो नहीं मान सकती इस बात को कि आपका घड़ा भरा या नहीं। हे महारानी। और दूसरी बात इतने गिड़गिड़ाने पर मैं आपकी एक मदद जरूर कर सकती हूँ एक विधि जरूर बता सकती हूँ। अच्छा। हो सकता है वो विधि आपके काम आ जाए। किसी सार ने कहा है। हाँ? कि अब भक्त नूर को बेनूर बना देता है। अच्छा यह भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। हाँ। कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मेरी बात सुन महाराज। कहिए महाराज। ओए 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 मेरी जातर थोड़ा बोझा भारी। जातर थोड़ा बोझा भारी क्यों कर इसने ठाले। एक विधि में तने बताऊं बेशक ते अजमा ले पिया। एक विधि में तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। मेरी कौन सी विधि तू तो कौन सी विधि मन बतावे वो भी भरम टाले।
हेरी चल मैं गोता, हेरी चल मैं गोता, यक चल मैं गोता मारन करी, चल मैं गोता मारन कतन ठीक जतन बदलाया। महारानी कही महाराज, आज तू कहती है कि तेरा कच्चा घड़ा है। हाँ। अगर मैं इस घड़वे को हाथ लगा दू तो धर्म कट जाएगा। जी हाँ। अगर तेरा मेरे इस घड़वे को हाथ लगाने से धर्म कटता है। हाँ। तो इस नदी में तू अपने हाथ पैर धो के अगर उस ब्राह्मण के घर चली जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा धर्म भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन महाराज, अगर ये काम आसान होता मेरे लिए करने के, अच्छा अगर ये काम आसान होता तो मैं बिल्कुल कर जाती, लेकिन तेरे घड़े को हाथ लगाने से महाराज, हाँ। जिस धर्म को बचाने की खातिर तू दर दर की ठोकर खा रहा है, रात दिन कांटों की बाढ़ पर चल रहा है, अगर अच्छा। मैं तेरे कच्चे घड़े को हाथ लगा दूं, जिस धर्म को बचाने की खातिर हम दोनों माँ बेटा काशी के बीच बाजार में बेच दिए, आज मैं तेरे गड़े को हाथ लगा दी तो वो धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा महाराज। हे महारानी, तू जैसी सतवंती लजवंती औरत में कहाँ पाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मेरे धर्म के कारण तूने राजधानी को छोड़ दिया, और मैं यह भी जानता हूँ आज मेरे धर्म के कारण तुम दोनों माँ बेटा काशी के बीच बाजार में बिक गए। अच्छा। और मैंने अपने आप को भी बेच दिया, एक राजा होकर के वो भंगी के घर में नौकरी मैंने करी इस धर्म के खातिर। अगर इस धर्म के खातिर राजा हरिश्चंद्र की जान भी जाती है तो मैं इस धर्म को श्रेष्ठ मानूंगा। अच्छा। और अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती महाराज। सुन मेरी बात, कह दे ओ छोरे, ओए ओए ओए, और हाथ धो लिए तू तो, हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए, और ना लिए चल मैं, भक्त पड़े पे तू तो भक्त पड़े पे धोखा देगी, भक्त पड़े पे धोखा देगी, फिर फर्क आ लिया दिल में, उस राजा का के कर ले जो तुरंत बदल जा पली में, उस राजा का के कर ले जो तुरंत बदल जा पली में, पूरे समय समय के यत्ता समय समय के खेल बापड़ी, समय समय के खेल बापड़ी, धरती प्रति छाया और कहे सुनने की एक न मानी, राजपट ठुकराया मेरे, कहे सुनने की एक न मानी, राजपट ठुकराया, सबका बंधन फिर सबका बंधन जीव चुपे ते, सबका बंधन जीव चुपे ते,
जन्म लिए ते हो जा। और सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल को जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल को जा। हरी नामों के की तू ते नामों के की बात छाने राह में काट बोझा। उस राजा का के करने जो वक्त पड़े बसो जा। उस राजा का के करने जो वक्त पड़े बसो जा। अरे गुरु मान सिंह यद गुरु मान सिंह दुख विपता का कितना समय बिताया। अरे दुख बीच में भजन बना के बीच सभा जाता कोई न छाया।